कमेंट सेक्शन में यार बता देना कौन जीतने वाला है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। बताना यार, प्लानिंग बता अपनी आज की। तो मैच खेलेंगे। अच्छा, मैच के बाद प्लानिंग पूरी है। स्विगी का मिल रखा कूपन, स्विगी का दो शॉट में मैंने बॉल फाड़ी। तू बता, खड़े खड़े रहे भाई, बॉल बाहर बैटिंग करके फिर इधर ही जा रहे। बैटिंग नहीं तो यसने फाड़ी बॉल। शाबाश, बोल रहा था दोबारा मारने दे ये वाला। ऐसे ऐसे फंसा देते बैट्समैन को, ऐसे भाई तू छक्का खा के विकेट लेता। तो छक्के खा ले सबसे, लगाओ हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ क्रिकेट कार्डियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और क्रिकेट खेल रहे होंगे। यार आज संडे का दिन है और आज हमारा एक और मैच होने वाला है। कल सैटरडे के दिन का व्लॉग तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। जिस जिसने नहीं देखा, आई बटन पे लिंक आ रहा है, जल्दी से जाइए पहले वो वाला व्लॉग देख लीजिए। आज हमारा होने वाला है रेड बॉल मैच, हमारी फेवरेट जर्सी पहनी जाएगी। 27 मेरी बर्थ डेट है। बार बार लोग पूछते रहते हैं 27 क्यों लिखवाते हो भैया। 27 अप्रैल को मेरा बर्थडे आता है, तो बचपन से 27 नंबर ही में लिखवाता आ रहा हूं अपनी जर्सी पे। और आज बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होने वाला है, उसको बॉक्सिंग डे क्यों बोला जाता है? मतलब बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे क्रिकेटर्स के मन में सवाल होता है। 25th क्रिसमस होती है, अब 26th को जो भी स्पोर्टिंग इवेंट स्टार्ट होता है उसे बॉक्सिंग डे बोला जाता है, कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो। अब जैसे हमारा टेस्ट मैच 26 दिसंबर को स्टार्ट होने वाला है, जो ये जो कंट्रीज होती है, ऑस्ट्रेलिया हुई, न्यूजीलैंड हुई, साउथ अफ्रीका हुई, इनके यहां पे जो भी स्पोर्टिंग इवेंट 26 को स्टार्ट होगा उसे बॉक्सिंग डे बोला जाएगा। तो इसीलिए आज जो टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, जो संडे के दिन होने वाला है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच बोला जाएगा। कमेंट सेक्शन में यार बता देना कौन जीतने वाला है फर्स्ट टेस्ट मैच। और बाकी आज के दिन की मैं अपनी प्रिपरेशन बताऊं तो यार देखो, किट तो ऑलमोस्ट पैक ही है, बस हमें ये जो कलर्ड पैड हैं ये इनसे रिप्लेस करने हैं, क्योंकि रेड बॉल से हमारा मैच होने वाला है। वी आर ऑल सेट टू गो। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। ये तो है बनाना शेक, ये है गाजर का हलवा, और ये है गोंद के लड्डू। भाई ये तो हम लेके जा रहे हैं, ये दोनों चीजें हम खाने वाले हैं अभी। और यार देसी घर है भाई, देसी खाना अपना, जिस जिसको पता हो गोंद के लड्डू और गाजर के हलवे। गाजर का हलवा तो सभी को पता हो, गोंद के लड्डू हरियाणा में बहुत स्पेशल है यार। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप रिलेट कर पाते हो तो। A few moments later. क्या हाल है भाई, बॉल दिख जाएगी। तो गाइस अब हम ग्राउंड में आ चुके हैं यार, ये देखो थर्ड ग्राउंड पे हमारा मैच होने वाला है। ये ग्राउंड में आपको दिखा देता हूँ। और यार थोड़ी सी फॉग हो रही है, अभी तक सन आया नहीं है, छुपा हुआ है। और आज की विकेट कुछ ऐसी है, दोनों हमारे साथ यहाँ पे सचिन भी है, यश भी है। तो सचिन भाई अगर तू टॉस जीता तो क्या लेता यहाँ पे? भाई विकेट हल्की सी लग रही, मैं तो वैसे बैटिंग ही लेता। बैटिंग लेता? हाँ बैटिंग ठीक है, ठंडी के ऊपर से ना। और हमारी टीम का देखते हुए थोड़ा चेज का ये भी है। मैच नहीं खेलता फिर तो मैं। मेरा यही पॉइंट है कि हम बैटिंग लेंगे, हम चेज नहीं कर पाते। तो दोनों यहाँ पे टॉस जीत के बैटिंग लेते। थोड़ी सी गीली है बट हो जाएगी, 5-7 ओवर की बात है, सचिन इतने तो खेल ही जाएगा। सचिन जी हमारे वन डाउन के लिए तैयारी करते हुए, आज क्या प्लानिंग रहेगी तुम्हारी? बहुत दिन बाद आज थोड़ा ऊपर बैटिंग करने को मिल रही है, वैसे तो हमारा हिटिंग का रोल निभाते हैं। आज बैटिंग नहीं है ना, काम नहीं क्या? बाद में बैटिंग आएगी आराम से, काम नहीं है क्या? ये डाल दियो। बताना यार, प्लानिंग बता अपनी आज की। तो मैच खेलेंगे। अच्छा, मैच के बाद प्लानिंग पूरी है। स्विगी का मिल रखा कूपन, स्विगी का कूपन 200 रुपए का। मंगाएंगे रोटी बाहर से, पनीर और रोटी, आगे प्रैक्टिस कर घर। ओ भाई, दिस इज द प्लान। शॉट यार, शॉट ये वाला बे। A few moments later. हाँ भाई, क्या सीन था फिर पहली बॉल का? अभी बैटिंग आई। पहली बॉल पे भाई कैसे कैसे आउट हुआ बता दे भाई, ये तो बताएगा नहीं, इसका रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। बैट नहीं कर, मैंने गए पहली बॉल बोल्ड,
मुझे लग ही रहा था ये पहली बॉल में बाहर आएंगे, ये इसने पहले ही बोल दी थी। क्या चल रहा है भैया? यार बॉल ना रुक के आ रही है, मतलब अभी भी रुक रहा है, अभी भी फंस रहा था। आ जाओ। डाल दिया आपने भी। बाहर गया, जितना तेज मारो रोकेंगे नहीं, अभी भी ठंड है लगेगी हाथों में। दो देखो गैप में, आ जा। एक पर हर बॉल पे कैमरा ऑन करना पड़ता है? नहीं नहीं ऑन है, पूरे मैच में ऑन रहेगा, पूरा मैच में ऑन रहेगा। इसको एडिट करोगे? काफी मेहनत है फिर तो। हाँ मेहनत तो है। आपको देख के लग रहा है कि आप तो काफी सीरियस क्रिकेट खेलते हो, बॉडी बॉडी अच्छा बना रहे हो। गेम अच्छा, यूट्यूब पे चैनल है मेरा क्रिकेट कार्डियो के नाम से। अच्छा क्रिकेट कार्डियो। ये अच्छा बॉल है, इसे डालना था बराबर। कोई ये थोड़ा सा पकड़ अभिषेक। दो देखो एक बाहर गाइस। देखो इस सिचुएशन में जब आपका दूसरा बैट्समैन हिट कर रहा है, आपको क्या करना है, वो ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है तो उनको जितना हो सके स्ट्राइक रोटेट करके स्ट्राइक दो उन्हें। दिखा दो कैमरे में इधर। बढ़िया भैया ने 5 बॉल खेली और 5 पे बाउंड्री मारी है भाई। कमल भैया ओपन द चैट। जल्दी या। अरे भैया आ जा। दो। बोला था शतक बन जाएगा, थोड़ा सा रह गया बस। और इधर भी दिखा, कल पूजा करने के लिए बोला था। हाँ कितने रन बनाए आज मैंने बनाए 20 में 30। और इनकी बैटिंग नहीं आई है। तो गाइस एक इनिंग खत्म हो चुकी है और हमारी टीम ने 174 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे, और 20 ओवर का ये मैच है, आप सभी को पता ही होगा। और यार आज की विकेट का मैं बताऊं, थोड़ी सी स्टार्टिंग में गीली रही थी, अभी भी गीली है, और एक लेफ्ट आर्म पेसर थे वो बहुत अच्छी डाल रहे थे, उनने एक दो विकेट लिए हमारी टीम की। सचिन तो बेचारा पहली बॉल पे आउट हो गया था, बहुत बुरा लगता है ऐसे जो भी आउट हो जाते हैं। और गाइस मैं अपने स्कोर का बताऊं तो 31 बॉल्स में 30 रन स्कोर करे, थोड़ा सा मैं फंस गया था। और आज पता नहीं क्या ही हो रहा था, टाइम ही नहीं हो पा रही थी, मैंने एंड तक बहुत कोशिश की और दूसरे एंड से भैया अच्छा खेल रहे थे, तो मैं सोच भी रहा था कि ज्यादा ज्यादा अगर मेरी टाइम अच्छे से नहीं हो रही है तो टीम के लिए अच्छा खेल के एक एंड से मैं स्ट्राइक रोटेट करे जा रहा था और भैया हिटिंग करे जा रहे थे। यश बेचारे की बैटिंग नहीं आई है, अभी ये देखो प्रैक्टिस कर रहा है।
ये देखिए इस बेचारे बैट्समैन की बैटिंग नहीं आई है, बेचारे की बैटिंग नहीं तो बेचारा घास में खेल कर रन बना रहा है। मेरा तो जीरो लग गया, अब मैं क्या बनाऊं। दो शॉट में मैंने बॉल मार दी, तू बचा के खड़े खड़े रह भाई, बॉल बाहर बैटिंग करके इधर इधर जा रही है, बैटिंग नहीं तो यशले फाड़ी बॉल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये बॉल कैच ऐसे, ठीक है अच्छा मारा है, कोई नहीं, ये बॉल बढ़िया आती, अच्छा मारा है, दोबारा खिलाए वाली कैच देखन, शाबाश, बोल रहा था दोबारा मारने दे ये वाला, ऐसे ऐसे फंसा देते बैट्समैन ऐसे ऐसे। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, भाई तू छक्का खा के विकेट लेता, तू छक्के खा ले सबसे, एक एक करके पहले 10 छक्के खा ले, 10 विकेट ले ले। कैच, हंड्रेड विकेट। बार रोका यार, बढ़िया ऐसी फील्ड यार, लवली लवली लवली, बैटिंग है भैया शाबाश, नहीं सामने खा गए, आगे 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 गेम आ टाइट कर लो, आ लगाओ बड़े महीनों बाद चार विकेट आए, मार मार बैटिंग, कैच और टेकन, गुड गेम भैया, गुड गेम, चल वेल प्लेड यार। One hour later. तो गाइस एक घंटे पहले मैच खत्म हो गया था और GoPro की लास्ट में शायद बैटरी भी खत्म हो गई थी, अगर आपको लास्ट तक देखने को मिला हो तो बहुत अच्छी बात है, पर हम आज का मैच 9 रन से जीत चुके हैं और मैंने एक स्टंपिंग की थी और 2 रन आउट किए थे, आपने देखा भी होगा। और भाई यश अपने स्टैट्स बता दे यार, आज बढ़िया बॉल फेंकी है लड़के ने, 34 रन 4 विकेट, ये जो इसने बॉल फाड़ी थी बेचारे की बैटिंग नहीं आई थी तो यहाँ पे प्रैक्टिस करते करते बॉल फाड़ दी थी, जो आपको थंबनेल और कवर देखने को मिल रहा होगा, और वो भाई ये देखो लड्डू खाए जा रहे हैं और ये अथर भाई आए हैं अपने, क्या हाल है। अभी चैलेंज वीडियो भी शूट होने वाली है तो वो आपको दूसरे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो यार अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया, व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना दोनों ही चैनल को। और एक बैट्समैन माधव नाम था शायद उनका, बहुत ही अच्छी बैटिंग करी उनने, ऑलमोस्ट गेम ले ही गए थे बट रवि भैया ने उनकी विकेट निकाल ली और वहीं से मैच हमने पलट दिया, क्योंकि 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, बस उन्हें 30 बॉल्स एंड 30 रन, वहां से हम गेम पलट के उनकी 9 विकेट तक ले गए और 9 रन से हम आज का मैच जीत गए। अब हम आपको मिलेंगे जल्दी एक और नए ब्लॉग में, जय हिंद नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और क्रिकेट खेलते रहिए, बाय बाय। ये नहीं है चेंज हो गया, I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down in New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends.